हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि स्कूल टाइम हो रहा है, सुबह के 8 बज रहे हैं और आज थोड़ा मैं डिफरेंट लुक में हूँ। आज हमारा स्कूल का एजुकेशनल ट्रिप जा रहा है और वो जा रहा है कॉर्बेट म्यूजियम। तो उसके लिए हम हो चुके हैं रेडी एंड कैल्विन भी हो चुका है रेडी। जैसा कि कैल्विन और मैं एक ही स्कूल के हैं, मैं उसी स्कूल में पढ़ाती हूँ जहाँ पर कैल्विन पढ़ता है। तो कैल्विन भी जा रहा है ट्रिप में और इत्तेफाक से ना उसी जगह पे आज वैभव के स्कूल का ट्रिप भी जा रहा है। वैभव के स्कूल का ट्रिप काफ़ी दिनों से जा रहा है, अलग अलग क्लासेस को लेकर के जा रहे हैं। तो आज वैभव के क्लास की टर्न है, 6th क्लास की, और वैभव भी वहीं जा रहे हैं जहां हम जा रहे हैं, यानी कि कॉर्बेट म्यूजियम। और उन्होंने मेडिसिन फैक्ट्री भी जाना है, उसी के आसपास में है बता रहे हैं। और हम लोगों ने जाना है, कहां जाना है कैल्विन? गुल्लरशिप मंदिर है कह रहे हैं यहाँ रामनगर में। मैं तो फर्स्ट टाइम सुना भी और फर्स्ट टाइम ही देखूंगी भी। तो फ्रेंड्स, व्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने करना है ट्रिप पे बहुत इंजॉय, तो आप लोग भी देखिएगा, बने रहिएगा व्लॉग में एंड तक। आज मैं आप लोगों को अपनी सारी टीचर्स से भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, मतलब एक दो नहीं जा रही होंगी, बाकी तो सारी टीचर्स जा रही हूँ। वो भी अपने छोटे बच्चे घर पे हैं तो इस वजह से शायद नहीं जाएंगी, अदरवाइज सारी जा रही हैं, और सबसे मिलवाऊंगी। और ट्रिप को आप भी इंजॉय कीजिएगा, हम भी इंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों को डायरेक्ट स्कूल में, इधर से दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये सारे बच्चे रेडी हो चुके हैं ट्रिप पे जाने के लिए, काफ़ी एक्साइटेड हैं। से हेलो एवरीबॉडी। हाय टीचर्स, एक बार ही सब हाय बोल दो प्लीज। तो ये हमारा स्टाफ टीचर्स रेडी होकर के आ चुकी हैं सब, अभी कुछ टीचर्स आनी बाकी हैं। ये रिंकी, तो देख लो, से हेलो बोलो। रितु मैम, फर्स्ट क्लास। तो ये है हमारी राखी दीदी। तो ये कौन आ गया? इनका सब वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी बस, से हेलो। मुझे फ्रंट में ले, और इसमें बच्चे वन बाय वन देखो चढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, और टीचर्स अंदर देख रही हैं। वन बाय वन जाओ, पहले अंदर मैम से मिल के आओ, आधार कार्ड सबमिट करके आओ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से बच्चे कुछ बैठे हुए हैं। यस यस यस, अभी देखिए, मैं मंजू के चश्मे में मांगे हुई चीज़ में कैसी लग रही हूँ, कमेंट बॉक्स में बताना प्लीज।
स्टार्टिंग हो रही है सबसे पहले मंदिर से, और वो मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि है टांडा में। तो बच्चों को पहले हम तो फ्रेंड्स देखिए बहुत अच्छा लग रहा है संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। बच्चे सब जगह माथा टेक आए। मंदिर के बराबर में कुछ इस तरह का लोकेशन है। वाओ चॉकलेट, देखो भगवान जी के यहाँ से भी आपको चॉकलेट मिल गई है। लाइन में आइए, लाइन में। चॉकलेट तभी मिलेगी जब आप लाइन में रहोगे। अगर आपने लाइन ब्रेक की तो चॉकलेट नहीं मिलेगी। कैल्विन जाओ, चॉकलेट मिल रही है। आप क्या बोल रहे हो, क्या करना है? हमारी टीचर्स की हो गया है हमें ऑरेंज, एंड बच्चों को हो रहा है। बच्चों के लिए मैम लेकर के आई थी, स्कूल की तरफ से था। और जो भी बच्चों के खाने के आइटम होते हैं स्नैक्स वगैरह, वो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है मैम ने। देखिए और हमें मिल गया फिलहाल ऑरेंज। बहुत जरूरत थी इसकी भी ऑरेंज की, क्योंकि गला सूख रहा था और मेरी पानी की बॉटल है आगे, क्योंकि मैंने आगे रखी थी पानी की बॉटल। तो फ्रेंड्स फाइनली पहुंच चुके हैं हम जहां हम आने वाले थे, यानी कि कॉर्बेट म्यूजियम।
ये हमारी टीम, तो ये हमारे बच्चे, ये हमारी टीचर्स। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं म्यूजिक। तो फ्रेंड्स, वैभव के स्कूल के बच्चे शायद यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि उनको मेडिसिन फैक्ट्री भी जाना था। तो हो सकता है पहले वो यहाँ आए होंगे और फिर वो मेडिसिन फैक्ट्री गए होंगे, जो मुझे लग रहा है। वरना मैंने ये सोचा था कि मैं उनके स्कूल के बच्चों को भी अपने ब्लॉग में कैप्चर करूँगी, बट ऐसा हुआ नहीं। तो कोई बात नहीं, याद आ रही है, ये हाथी है मेरा साथी। तो फ्रेंड्स, और एक बात बताऊं, मतलब अभी जब हम इधर को आ रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे गांव जा रहे होंगे, क्योंकि ये गांव वाले रास्ते पे ही पड़ता है। मतलब ये पड़ता है धनगढ़ी के पास में है कॉर्बेट म्यूजियम, तो बिल्कुल वही फील आ रही थी गांव जाने में। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टैचू है, ये है जिम एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट, यानी कि फादर ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारे इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है और ये बना था 1936 में। तो आज हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट म्यूजियम। ब्यूटीफुल गर्ल। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ तो आए दिन वो टूरिस्ट वगैरह आते ही रहते हैं। कॉर्बेट, वेलकम टू कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। कई बार सोचा था आने का, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि स्कूल के जरिए ही मुझे यहाँ आना था इन जगहों में। आज मैं फ़र्स्ट टाइम लक्ष्मी नारायण मंदिर भी होके आई और आज मैं फ़र्स्ट टाइम कॉर्बेट म्यूज़ियम भी आई हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आकर के। तो ये जो हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, ये टाइगर्स के लिए फेमस है एकदम। यहाँ टाइगर ही देखने के लिए आते हैं स्पेशली टूरिस्ट। तो ये टूरिस्ट आ रहे हैं, डेली ही आते रहते हैं। ये आपने देखा था, वो उनका बाइक जो बातें लिखी गई हैं सर जिम कॉर्बेट जी के द्वारा लिखी गई हैं, अंटिल इंडिया रियलाइजेज दैट वाइल्ड लाइफ इज एन असिस्ट द किलिंग विल गो ऑन, अ कंट्रीज फौना इज अ स्केर्ड ट्रस्ट एंड आई अपील टू यू नॉट टू बेटर यू ट्रस्ट। और ये जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये हैं जिम कॉर्बेट, जिनके नाम से ही इस नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा था। उत्तराखंडी ट्रेडिशनल लुक में कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ झोड़े चांचरी गाते हुए, कुछ डोला उठाते हुए। ये देखिए नंदा सुनंदा मेला भी लगता है नंदा देवी का, और ये नंदा सुनंदा, और ये देखिए रण सिंह और सरंकार। हमारे यहाँ शादी बरातों में ये सरंकारों का डांस होता है, इसको बोलते हैं रण सिंह। ये एक उत्तराखंडी वाद्य यंत्र है। तो फ्रेंड्स, ये हम आ गए हैं कॉर्बेट इंटरप्रिटेशन सेंटर, मतलब कॉर्बेट परिचय केंद्र। तो हमारी एंट्री यहीं से होने वाली है अंदर। और बच्चे देखिए क्यू में खड़े हैं, लाइन में। तो फ्रेंड्स, ये जो ग्लास हाउस है, ये जो ग्लास हाउस है, इसके अंदर है हैमिल्टन जेट बोट। इस तरह की एक बोट इस ग्लास हाउस के अंदर है, वो अभी हमें नहीं दिख रही है। उसके लिए भी आई थिंक परमिशन लेनी पड़ती होगी, तो देखते हैं।
तो ये कुछ इस जेट बोट की हिस्ट्री है। फ्रेंड्स व्यू तो बहुत ही सुंदर लग रहा है एकदम। धीरे देखते चलो शिवांशु, भागना नहीं है यहाँ पे। तो ये छोटी हल्द्वानी देखते जाइए। देखिए ये कॉर्बेट नेशनल पार्क की आपको हिस्ट्री भी मिलेगी यहाँ पे, ये लिखी हुई, आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का सबसे पहला पार्क है, उसके बाद तो बहुत सारे हैं ऑल इंडिया में। वाओ, प्रजाति बाग की कैसा लगा बच्चों को? अच्छा लग रहा है ना? कैसा लगा मैडम जी को? ब्यूटीफुल, देखिए ऐसे लग रहा है एकदम जैसे सब लाइव होगा यहाँ पे, जंगल के बीच में जंगली जानवर होंगे। नदी के, नदियों के आसपास का जीवन कैसा होता है या नदियों के अंदर का जीवन कैसा होता है, तो कुछ इस तरीके का दे रखा है आप लोगों को। देखिए क्रोकोडाइल ऐसा लग रहा है जैसे सच्ची का क्रोकोडाइल होगा। बारिश का संगीत,
बच्चे कहाँ गए हुए? वाओ, ये देखिए मॉनसून म्यूजिक, इसके अंदर ना बारिश हो रही है और लग रहा है जैसे कितनी तेज बारिश हो रही होगी और आसमानी बिजली चमक रही है। ओ माय गॉड, सीधा रेन। ये देखिए सच में ऐसा लग रहा है जैसे कितनी तेज बारिश हो रही हो। टच नहीं करना ठीक है। तेंदुआ, चलिए be in the forest. फ्रेंड्स ये देखिए फ्लोर एकदम जैसे इसका पानी होगा इस तरीके का फ्लोर लग रहा है और जैसे इसमें फिश चल रही है। देखिए फील करो जंगल को, ऐसे ऐसे महसूस करो ना कि हम जंगल के बीचों बीच हैं और हमारे सामने से टाइगर निकल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर और हमारे सामने जा रहे हैं डियर और एलिफेंट एंड टाइगर। ये देखिए थक गया है टाइगर। मुझे तो फ्रेंड्स गोल्डन जैकॉल, बंगाल टाइगर, बार्किंग डियर भी लीजिएगा। स्पॉटेड डियर, सांबर एंड ये देखिए बेबी अपनी मम्मा के साथ। तो फ्रेंड्स ये देखिए तो ये कुछ उत्तराखंड के राज्य चिन्ह बताए गए हैं जैसे कि राज्य पुष्प ब्रह्म कमल, राज्य वृक्ष बुरांस, राज्य पक्षी मोनाल एंड राज्य पक्षु कस्तूरी मृग। ये
तो फ्रेंड्स देखिए मिट्टी के कैसे घर बने हुए हैं। आप लोगों ने क्या क्या देखा अंदर? 3D मूवी। क्या क्या देखा? क्या क्या देखा 3D में? और कैसा लगा अंदर जाकर के? कॉर्बेट म्यूजियम आकर के आप सबको कैसा लगा? कुछ नहीं बता रहे हो आप? आप लोगों को अच्छा नहीं लगा मतलब? ओके आपने अपना ट्रिप एंजॉय किया? ओके हेलो गाइस, तो हम गुलरसित मंदिर पहुंच गए जहाँ पे शिवरात्रि मनाते हैं। यहीं पे अभी कुछ टाइम पहले बहुत भीड़ लगी थी, तो अब यहाँ से सीधा ऊपर जाएंगे। हम नीचे वाले गुलरसित में जा रहे हैं, हम ऊपर वाले गुलरसित में नहीं जा रहे क्योंकि वो बहुत ऊंचा है और हमारे साथ स्कूल के बच्चे बहुत सारे। तो गाइस हम यहाँ से ऊपर जाएंगे और देखिए ये हमारे टीचर्स है। गाइस देखिए सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ बनाने के लिए लेके आए हैं। ये हमारी MD मैम से हाय। ये संतरा लेके आए, ये कुछ बनाना नहीं आता इन्हें। और ये हमारे टीचर से देखो, कोई तो ये फंचा लेके जा रहा और ये देखो सब कुछ ना कुछ बना के लेके आ रहे। और हमारी जया मैम आ रही है म्यूजिक सिस्टम लेके। तो फ्रेंड्स फाइनली पहुंच चुके हैं गुलरसित मंदिर, जैसा कि दीप्ति ने अभी बता दिया था। एक्चुअली मैंने इस मंदिर के बारे में बस सुना सुना था, आज फर्स्ट टाइम देख भी लिया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्कूल ज्वाइनिंग के बाद बहुत बेनिफिट में हूँ इस मामले में, क्योंकि तो देखा आज हमने लक्ष्मी नारायण मंदिर भी देखा और आज हमने गुलरसित मंदिर भी देख लिया है। और बच्चे देखो कितने एक्साइटेड हैं, बच्चे बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं। से हाय, हाय कर दो। तो फ्रेंड्स देखिए सबका ओपन हो रहा है टिफिन। आप सब ना घर से सबके घरों का खाना टेस्ट करेंगे आज हम। वाओ अनीता मैम देख देख के मुंह में पानी आ रहा है मेरे तो। तो फ्रेंड्स फाइनली हो चुका है हमारा लंच और अपने घर में तो रोज ही लंच करते हैं। आज हमने सबके घरों का लंच एक साथ टेस्ट किया और सबके घर का लंच बहुत अच्छा था, खाना बहुत टेस्टी था। कोई पुलाव लाया था तो कोई मिक्स वेज लाया था, कोई मटर पनीर की सब्जी लाया था, कोई जवे लाया था, कोई मैक्रोनी सैंडविचेस और भी बहुत सारी चीज़ें थी। मैं थक जाऊँगी नाम बोलते बोलते, लेकिन बहुत मज़ा आया हमें। आप लोगों को कैसा लगा? मज़ा आया बहुत ही। ये भी आ गया हमारे साथ खाना खाने। चेंज द स्टाइल। हार्दिक कम है, इधर भी फोटो सेशन हो रहा है। और यहाँ से है कह रहे हैं काफी ऊंची चढ़ाई है, लेकिन बच्चों को लेकर के जाना भी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ ना नेक्स्ट टाइम आएंगे। फिर ये छोटे छोटे बच्चों का फोटो शूट हो रहा है यहाँ पे भी। परिवार बच्चों ने खूब मस्ती कर रखी है यहाँ करके, मतलब अच्छा ही है, मस्ती करने ही आए हैं। खूब सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई, अच्छे से घूमे फिरे इंजॉय किया, तो कभी कभार ऐसा होना चाहिए बीच बीच में। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा ट्रिप
आ चुका है, वापस स्कूल में पहुंच चुके हैं हम और बच्चे भी ऑलमोस्ट जा ही चुके हैं। बस कुछ ही बच्चे रह गए हैं अभी, उनके पेरेंट्स उनको आते ही होंगे लेने के लिए। और जैसे ही बच्चे सब अपने अपने घर जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे अपने घर। तो बताइए, तो तुम बताओ कैसा लगा, कैसा लगा बच्चों ट्रिप? हम घर पहुंच चुके हैं और मेरे को तो बिल्कुल जान नहीं है, मैं तो मर चुकी हूँ। और आज मैंने खा भी लिया है, मेरी कुछ टाइम से 4-5 दिन से मेरी डाइट चल रही है और थोड़ा थोड़ा सब लेके आए थे, मेरे को लगा ये लोग बुरा ना माने तो मैंने खा लिया। घर पहुंच गए, अब मर जाते हैं ज़रा बेड में। तो फ्रेंड्स फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। आई होप आप लोगों को आज का ये मज़ेदार वीडियो बहुत पसंद आने वाला है, देखिएगा ज़रूर। एंड वीडियो को करते हैं यहीं पे। गाइस इस वीडियो में मैं रहती हूँ, एटलीस्ट उसमें तो बहुत सारे लाइक एंड सब्सक्राइब तो प्लीज करना चाहिए। आप लोग के लाइक और सब्सक्राइब के चक्कर से क्या पता मैं भी एक नया सा चैनल खोल दूँ आप लोगों को, लो फिर मैं डेली देखने मिलूंगी। मैं तो कितनी बार कह चुकी हूँ खोलो एक नया, फिर मैं आपको फिटनेस का ट्रिक भी दिखाऊंगी कि फिटनेस में क्या क्या होता है, आप लोग घर बैठ बैठ के कैसे फिट हो सकते हो। तो गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फ्रेंड्स वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा एंड वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।